Hello everyone, welcome to EMT, Biometric Time Attendance and Access Control System. अस्सलाम वालेकुम, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी EMT क्लाउड सॉफ्टवेयर में बायोमेट्रिक टाइम अटेंडेंस डिवाइस को कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर टाइप करना है cloud.amts.pk। यह आपके पास लॉगिन पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास कॉर्पोरेट आईडी। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी कॉर्पोरेट आईडी ऐड कर लेनी है, आपका जो यूज़र नेम आपने रखा होगा और उसके बाद जो आपने पासवर्ड रखा होगा वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपने लॉगिन इन पे क्लिक करना है, ये डैशबोर्ड आपके पास शो हो जाएगा। इसके बाद आपने डिवाइस सेटअप पर चले जाना है। डिवाइस सेटअप में आप जाएंगे एट एडेड मशीन पर, यहाँ पर आपने ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पे ये आपके पास शो होगा। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल ऐड कर देनी है डिवाइस की, मशीन नंबर फॉर एग्जांपल 1 है, मशीन टाइप आपके पास जो आपके पास डिवाइस होगी, मेरे पास है अभी T52F, तो मैं मशीन टाइप सेलेक्ट कर दूँगी AMF T52F। यहाँ पे अपनी डिवाइस का सीरियल नंबर ऐड कर देंगे, आपके डिवाइस का जो भी सीरियल नंबर है वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। मशीन नेम लिख देंगे, और इसको सेव कर देंगे। डिवाइस का सीरियल नंबर ऐड कर देंगे, उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। यह आपके पास आपकी डिवाइस सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने जब डिवाइस को सेव कर देंगे, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। डाटा डाउनलोड पे जाएंगे, डाउनलोड लॉग, यहाँ से गो पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से अपने डिवाइस को सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद आपने चेक करना है कनेक्ट पे जाके आपकी डिवाइस कनेक्ट है या नहीं है। तो हमारे पास मैसेज आ रहा है डिवाइस कनेक्ट सक्सेसफुली। For more information, visit us at www.amts.pk. Thank you.